बुद्धि प्रथा थी। 21 दिन ब्राह्मण के घर जाके उस लड़की की शुद्धि होती थी, तब वो आती थी। नर बलि होते थे मनु विधान के तहत, मानव बलि भी दी जाती थी मंदिरों में, जिसका रूप इसमें नारियल फोड़ के लोग करते उसी का प्रतीक है। और इतना जाति भेद था, छुआछूत, हमें बताया भी कि पूना के जो पेशवा राजा थे उनका इतना अत्याचार था उस जमाने में कि शूद्रों के गले में हाड़ी और पैर में झाड़ू बांधा था पेशवाई राजा। और 1 जनवरी 1818 को आपको याद होगा भीमा कोरेगांव में जो आंदोलन हुआ, तो ये सब जो आंदोलन हुए किसकी देन है? मनुविधान की देन है। अगर आप संभाव रखते, जाति भेद न करते, छुआछूत न करते, तो बाबा साहब पैदा भी ना होते, बाबा साहब का आंदोलन पैदा ना होता, बाबा साहब के विचार पैदा नहीं होते। बाबा साहब तो भारत को पूरी दुनिया के नक्शे पे नंबर एक देखना चाहते थे, उनकी मनपा थी। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जिस प्रकार से उबड़ खाबड़ भूमि में अच्छी पैदावार नहीं होती, होती है नहीं ना होती, इसीलिए जिस समाज में जाति भेद छुआछूत है वो समाज अच्छा नहीं बन सकता, वो राष्ट्र अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी कितना प्रयास कर रहे भारत को, अगर जिस जाति भेद अगर नहीं मिटा पाए, छुआछूत नहीं मिटा पाए, सांप्रदायिक दंगे नहीं मिटा पाए, लेकिन वो कैसे मिटाएंगे? वो तो दिन रात मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जहां जाते हैं वही करते हैं वोट के चक्कर में, तो कैसे समाज बनेगा? मैं आपको पूछ रहा हूँ सवाल। तो बाबा साहब की जो लड़ाई थी मूल रूप से इसको मिटाने की थी। वो क्या चाहता था? समता, स्वतंत्रता, बंधुता। भाई हम हैं और राजेश दुबे भाई हैं, तो हमारे इनमें क्या विवाद है? न खेत का नहीं है, मेड़ का नहीं है, नाली लाभदान का नहीं है, बस जो अंदर जो जाति भेद आओ ये हो, ये पैदा कहां से हो रहा? ये न मेरे माँ के पेट से पैदा हुआ, न आपके माँ से पेट से पैदा हुआ, ये पैदा कहां से हुआ? ये मनु विधान से पैदा हो रहा, ये शास्त्रों से पैदा हो रहा, क्योंकि शास्त्र में अब तक संशोधन नहीं हुआ इतना आंदोलन के बाद भी। क्यों? क्योंकि देश के जो चार पीठ हैं शंकराचार्य, वो खुद कहते हैं कि मंदिरों में छूतों का प्रवेश वर्जित है। हम लोग अखबारों की कटिंग भी है, हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं। अभी जल्दी एक मुसलमान का 8 साल का बच्चा एक मंदिर में पानी पी दिया, उसको इतना मारा गया, सोशल मीडिया पे घूम रहा है। तो बाबा साहब इसके खिलाफ थे। और जेकर फटे न पैर पिवाई, ओका जाने पीर पवाई। इसीलिए माना जाता है कार्ल मार्क्स ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, रशिया में क्रांति करवा दिया, एकदम साम्यवाद ला दिया, सबको बराबरी। वहां न किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, न किसी के पास 1 इंच है, वो सबके बराबर है। रशिया में चाइना में सिस्टम में बना हुआ है। लेकिन यहां आंदोलन इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ इतने जाति भेद हैं, इतनी विषमता है कि नहीं हो पा रहा। तो बाबा साहब इसकी मुहिम चला रहे थे, समता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की। और बाबा साहब ऐसा नहीं है कि राजा के घर पैदा हुए उनको तजुर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था। वो अछूत के घर, महार के घर पैदा हुए। और दुनिया में जितने भी महापुरुष आप लोगों को मैं बता रहा हूं, उस जमाने में जो 6 विद्वान थे, अल्बर्ट आइंस्टीन था, इब्राहिम लिंकन थे, बाबा साहब थे, मार्क्स से तुंग थे, ऐसे 6 विद्वान थे। 6 विद्वानों की हिस्ट्री अगर आप जानेंगे तो बाबा साहब एकमात्र ऐसे महापुरुष विद्वान थे जिन्हें पढ़ने से भी रोका गया, उनको पानी पीने नहीं दिया गया। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं मिलता है किसी महापुरुष के साथ। लेकिन बाबा साहब इससे बिना विचलित हुए भी लड़ाई लड़ा, और स्वर्णों की महिलाओं के लिए, इसलिए नारी मुक्ति दाता कौन? बाबा साहब। बाबा
नारी मुक्ति दाता थे, इसलिए सवर्णों को भी बाबा साहब का उपकार मानना चाहिए। लेकिन वही मैं विडंबना बता रहा था शुरू में, मैं कहा कि देश की और समाज की और हमारे भारतीय संस्कृति की विडंबना है कि जो इतना बड़ा महापुरुष जो पूरी दुनिया में पूजा गया, आज भी कहीं ना कहीं इसको जाति के दायरे में समेटा गया है। नहीं तो मैं तो चैलेंज करता हूँ और मैं तो उनका आदर भाव करता हूँ कि कोई बाबू साहब बाबा साहब की जयंती मनाने की पहल क्यों नहीं किया, कोई ब्राह्मण क्यों नहीं जयंती मनाने की पहल किया, क्यों उनके लिए काम नहीं किए? ये सवाल है ना आपके हमारे मन, क्या बाबा साहब दलितों के थे, दलित नारियों का उत्थान किया? अभी जो मैं गिनाया हूँ 10 सेक्टर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जिससे अर्थव्यवस्था चलती देश की, वो बाबा साहब के दिमाग की उपज थी। उस समय कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, गर्भवती महिलाओं को पुरुषावकाश अभी मैं आपसे बोला बाबा साहब की देन थी, समान वोट का अधिकार बाबा साहब की, तो सबके लिए था भाई। तो मैंने बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को बाबा साहब के जीवन संघर्ष का एक छोटा सा टुकड़ा, मैं 3-4 घंटे बाबा साहब को बोल सकता हूँ, बोलूंगा भी जब तक हमारे और वक्ता नहीं आ जाते, मैं आपको समझाऊंगा बुझाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच बहुमूल्य समय देकर हमारे बीच साथी आए हैं और जिन साथी हमारे साथियों ने इनको निमंत्रण दिया उनको भी मैं साधुवाद इस बात के लिए दे रहा हूँ कि बाबा साहब को इनको भी समझने की जरूरत है जितना हमें समझने की जरूरत है। तो जिन्होंने भी आपको आदर भाव से आमंत्रित किया उनको भी साधुवाद और आपने निमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए आपको भी दोगुना चौगुना साधुवाद मैं देता हूँ कि अब जरूरत है बाबा साहब को पढ़ने की है, नहीं तो आने वाले दिन अगर समाज नहीं बन सका तो ऐसे ही बाबा साहब जलाए जाएंगे, कभी कोई और जलाया जाएगा तो समाज में कैसे समता है कि नहीं? इसलिए आज के 130वीं जयंती के अवसर पर बाबा साहब को हमें जानने समझने की जरूरत है। बाबा साहब क्या नहीं कर सके इस पर गौर करिए, बाबा साहब चाहते क्या क्या? बाबा साहब देखिए 5 चीज चाहते थे अपने जमाने में पक्का। वो चाहते थे कि जमीन का राष्ट्रीयकरण हो, जमीन का राष्ट्रीयकरण सरकार के अंदर रहे, ना कि उनके पास 1000 बीघा के पास छप्पर डालने की भी जगह ना। तो बाबा साहब जमीन का राष्ट्रीयकरण चाहते थे, बाबा साहब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चाहते थे, दो हो गया। शिक्षा का मतलब सरकारी स्कूल हो, समान सिलेबस हो, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में तो गरीब का लड़का भी इंग्लिश मीडियम, एक पैटर्न होना चाहिए, अगर इंग्लिश मीडियम तो पूरा इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम तो पूरा, अंबानी का लड़का पढ़े उसी स्कूल में और घुराऊ कतवारू का लड़का पढ़े, इसीलिए बाबा साहब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चाहते। चौथा कल कारखाने का राष्ट्रीयकरण, बाबा साहब कल कारखाने का राष्ट्रीयकरण चाहते थे, अगर ये राष्ट्रीयकरण होता वो चाहते थे, अभी हुआ नहीं और जो हुआ वो भी खत्म हो गया, जो आरक्षण था और आरक्षण को लोगों ने इतना बदनाम कर दिया मीडिया के माध्यम से, और यहाँ का जो शासक वर्ग था आरक्षण इस्तेमाल बाबा साहब कभी नहीं किए, उसका सेंटेंस है प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन, भाई 5 लोग हैं, 5 पद हैं, तो उसमें जो वंचित समाज है उसका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, ये बाबा साहब की थ्योरी थी प्रतिनिधित्व। लेकिन लोगों ने इतना बदनाम किया आरक्षण के नाम पे, अपने आरक्षण का नहीं अघोषित आरक्षण गिना दूं, अघोषित आरक्षण भी गिना दे रहा हूं, सुन लीजिए, हमारे आरक्षण को तो लोगों ने खूब चिल्लाया और खत्म भी करवा दिया, अघोषित आरक्षण में मंदिरों में कौन आरक्षण लिया है, जहाँ चढ़ावे चलते हैं करोड़ों अरबों, वो किसके खाते में जाता है, अघोषित आरक्षण है कि नहीं? जमीन किसके पास है, आरक्षण है कि नहीं? नौकरी 99% बिना आरक्षण के ले गया, केंद्रीय सचिवालय में 99% लोग बिना आरक्षण वाले हैं, उसको आरक्षण नहीं कहेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 90% वही है, उसको आरक्षण नाम नहीं देंगे। आज जब हम प्रतिनिधित्व अपना मांग करेंगे तो कहेंगे नहीं ये तो आरक्षण वाला है, ये डिमेरिट वाला है।
बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में हमारा प्रतिनिधित्व शून्य है, वहां भी 90% आरक्षण है लेकिन उसको आरक्षण नहीं करेंगे। कुल मिला हर जगह 90% पदों पर काबिज, हम जो है 21% के जगह अभी जो है 7% कंप्लायंस हुआ। अभी मेरा भी आरक्षण नेहरू से लगाए तब तक मोदी पूरा नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाने की वजह से बहन मायावती ने बैकलॉग भर्ती किया कि हमारा 21% आरक्षण जिस विभाग में पूरा नहीं पूरा किया गया। तो अपने आरक्षण जो आप घोषित आरक्षण है और 10% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है रात में खुलती है, रात में पास होता है और तुरंत लागू हो जाता है और आपका अब तक लागू नहीं हुआ। तो कुल मिला के मोटे मोटे लब्बो लब्बा मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बाबा साहब का आपने अनुकरण नहीं किया इसीलिए सब कुछ मिटता जा रहा है। आपने अपने दोस्त की पहचान नहीं किया, अपने महापुरुषों की पहचान नहीं किया। तो मैंने बाबा साहब के जो संघर्ष थे और बताऊंगा आने वाले समय में, एक एक मार्मिक घटना, एक एक बाबा साहब का संघर्ष मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अभी हमारे बीच ही साथी हैं, उनका भी सम्मान करना है। तो चूंकि बाबा साहब की जयंती है, मैं चुनावी माहौल भी है तो बहुत लोग एक चुनाव प्रचार के मन से भी होंगे, बहुमूल्य समय कहीं और जाना भी होगा, उनकी मीटिंग कहीं और होगी, हमारे भी साथी आए हुए हैं। तो मैं अदब के साथ माननीय राजेश दुबे जी से चाहूंगा कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बाबा साहब के जीवन संघर्षों पे अपने विचार देने की आप अनुकंपा करेंगे। आदरणीय राजेश दुबे जी।